याद है ना वो जब सुनीता मार्शल आई थी इसके पॉडकास्ट पे, तो नादर भाई उससे पूछ रहे थे क्या कन्वर्ट करने का कभी आपने सोचा है? आपका क्या इरादा है इन फ्यूचर? मेरा एज इन कन्वर्ट करने का? यस नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल, तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है, और ना ही मुझे कोई प्रेशर है हसन की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से। नहीं नहीं, वो तो आपकी चॉइस है, जाहिर है। हाँ। ये तो जब आप करें, अल्लाह आपको हिदायत दे तो दोस्तों ओसमो की यूट्यूबर्स को रोस्ट करने वाली सीरीज जारी है, और इस बार रोस्ट किया है नादिर अली को। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि नादिर अली के रोस्ट पे रिएक्शन करो, देखते हैं भाई किस तरह से इन्होंने रोस्ट किया। ऑफकोर्स फ्रेंडली रोस्ट ही होने वाला है, आई थिंक ये दोनों जानते तो होंगे एक दूसरे को, पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स में से एक। हाँ। तो देखते हैं भाई अभी वो। Disclaimer. Hello friends and fans, this is Osmo speaking. दोस्तों आज हम जिस शख्स का रगड़ा लगाएंगे वो है कॉन्ट्रोवर्सीज का किंग कॉन्ग, सेल्फ लानत देने वाला एक फुदकता हुआ प्रैंकस्टर जो कि अब पॉडकास्टर बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरजानी टाउन के ज्ञानी अजीब से प्राणी नादिर अली की। तो भाई इस बंदे ने शुरू किया प्रैंक से, जो कि इसकी मेंटल एज के हिसाब से ठीक भी था। राह चलते लोगों के शलवारों में चिपक जाता था, उनको तंग करता था। अबे जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत कुछ भी कहो, कुछ भी कहो भाई, नादिर अली के प्रैंक से बेहतर प्रैंक मैंने नहीं देखे भाई। बिल्कुल, कई लोग बोलते हो स्क्रिप्टेड है, हो सकता है होंगे भी स्क्रिप्टेड, लेकिन मजा बहुत आता है भाई। वो जब उन्होंने स्टार्ट करा था ना तब स्क्रिप्टेड नहीं थे वो, बाद में फेमस इतने हो गए कि भाई स्क्रिप्टेड ही बनाना पड़ेगा, बंदे पहचान ही लेते थे कि भाई ये नादिर अली प्रैंक करते हैं। आप एम्ब्रोज रिएक्शन और नादिर अली प्रैंक सर्च करना भाई, हमने कितना एंजॉय किया उनके प्रैंक, आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल अपन ये वीडियो देखते आगे। अजीब अजीब से प्रैंक करता, कभी ये लौंडे बाज नाई बन जाता। अरे वही वाले नाई, वो जो बहाने बहाने से अपना जहाज आपकी कोनी पे लैंड करा देते। बॉयज रिलेट कर सकते होंगे यार, वही वाले नाई जो बहुत करीब आके आपके साथ ऑक्सीजन शेयर कर रहे होते, बस वही में ये वो रोमांटिक नाई बना हुआ है। अबे भाई रे 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 क्या कर रहे हो? अब मुझे 100% यकीन है कि भाई ये रोमांटिक बार-बार वाला जो प्रैंक है ना, इस पे मैंने, मेरी एक फ्रेंड है उसके साथ रिएक्शन किया है, बुलबुल के साथ। तो आप वो जरूर देखना, आप हंस हंस के पेट पकड़ लोगे अपना, वो रिएक्शन जरूर देखना। सिर्फ आपको सर्च करना है एम्ब्रोज रिएक्शन ऑन रोमांटिक बार-बार प्रैंक, सिर्फ इतना सर्च कर लेना। इस प्रैंक को प्ले करने के लिए नादिर अली को ज्यादा एक्टिंग करनी नहीं पड़ी होगी, कभी कुछ कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है। एक इसका प्रैंक बड़ा वायरल हुआ जिसमें ये गधे का गोश्त बेच रहा है, डोंकी मीट सेल कर रहा है। लोग परेशान हो गए कि भाई ये क्या बात हुई यार, तुम अपना गोश्त कैसे बेच सकते हो? हेलो भाई, अबे तूने गधा नहीं खिलाया अभी तक? खाएगा गोश्त बेच रहा है भाई, गोश्त तो गोश्त होता है। तब गधे का गोश्त एक रेलेवेंट टॉपिक भी था, क्योंकि हमारे जो लाहौरी दोस्त थे वो इन्हीं दिनों में मीनवाइल गधे का गोश्त खा के डकारे मार के बोलते थे मजा ही आ गया। तो ये गधे के गोश्त का जो स्कैंडल है ये उन दिनों वैसे ही वायरल जा रहा था। अच्छा। गधे से याद आया कि हाँ नादिर अली की बात हो रही थी, एक चीज दिखाता हूँ आपको। कितने यंग लग रहे भाई। शुक्र है ये प्रैंक आपने कराची में किया, पेशावर या दादू में नहीं किया, वरना आपकी जिंदगी एक प्रैंक बन जाती भाई। तो भाई सीन ऐसा है कि ये जो प्रैंक्स हुआ करते थे एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करते थे, ठीक है कोई मसला नहीं होता था। आप खुद ही बताओ, एक छठी फेल आदमी अगर रोड पे लोगों को तंग कर रहा है, हंसी मजाक कर रहे, तो क्या ही मसला हो सकता है? मसला तब हुआ जब इस बंदे ने पॉडकास्ट वाला माइक खरीदा। एक जमाना था जब पॉडकास्ट पे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हुआ करती थी, अब तो पॉडकास्टों में इंटेलेक्चुअल डिसेक्शंस हो रही है। अब इस तरह का सीन है कि भाई ले मुद्दिया तेरे पॉडकास्ट के फॉर्मेट। तो जी बात हो रही थी नादिर अली की, इन्होंने भी एक पॉडकास्ट का सेटअप रेडी किया और अपने बैकग्राउंड में जो लाइट्स लगाई हैं, मुझे उनसे बहुत एतराज है। ये कौन से सस्ते मसाज पार्लर की लाइट्स हैं भाई, पीछे एक चारपाई भी रख दो भाई, रानी मुखर्जी का पोस्टर भी लगा देते फिर। ये स्टूडियो है या ऑल्ट बालाजी की बी ग्रेड वेब सीरीज का सेट है? अरे कौन सा इकरा यूनिवर्सिटी का इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लिया भाई, गेस्ट को कंफर्टेबल करना था ना, आपने तो गेस्ट को हैप्पी एंडिंग वाला माहौल दे दिया भाई। ये जिस तरह का माहौल आपने बनाया है ना, इधर आप बेल्ट खोलते हो तो छापे पड़ जाते हैं। ये कौन सी एस्थेटिक्स है भाई, कुछ भी हो भाई, पैसा आ गया लेकिन सोच वही है, एस्थेटिक्स वही है। अरे ऐसे लोगों को आप स्विमिंग पूल बना के देंगे तो भाई ये बाल्टी भर के ही नहाएंगे। अजीब साइकिल की बत्तियां लगाई हुई है। बस इस बंदे का सेट तभी खूबसूरत होता है जब ये किसी और के पास जाके पॉडकास्ट करता है। रिसेंटली इसने पॉडकास्ट किया है जाकिर नायक के साथ। खुदा की कुदरत है भाई, जाकिर नायक जोकर नालायक के साथ बैठा हुआ। अब इस पॉडकास्ट को मैं जब गौर से देख रहा था तो जाकिर नायक जैसे ही थोड़ा सा टेक्निकल होने लग गया, फिर मुझे कहने लगे वो आदमी छोड़ जाया था उधर से दिल्ली से, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे।
कि जो 370 आर्टिकल को निकाले वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है। अब देखे बात ये, जैसे ही थोड़ी सी टेक्निकल हो गई, मैं देख रहा था नादर अली को, भाई साहब वो ऐसे बैठा हुआ है और ये सारी पढ़ी लिखी बातें उसके सर से मांग बनाती हुई निकलती जा रही हैं। भाई उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं यार, असल में देखो नादर भाई एक बी फॉर बेसिक आदमी है। उससे वैसे दुनिया के हाल वाल पूछो यार, उससे अपनी पूछो। और सुनाओ भाई, गुटखा चबा रहे हो आजकल? नादर भैया मौसम कैसा जा रहा है? लाइट आ रही है तुम्हारे घर? खाने में क्या पसंद है? सिंपल से सवाल करो यार, ये ईओन पॉडकास्ट थोड़ी है। नादर भाई बहुत सादा आदमी यार, उनसे आप पूछोगे पाकिस्तान का कैपिटल क्या है तो वो बोलेंगे पी। वो किसी ने कहा है कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन मैन। नादर अली के लिए तर्जमा कर लेते हैं, बल्कि नहीं यार छोड़। तो नादर भाई वो कॉमन मैन है। अब बॉस बेबी का तो आपको पता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साद हाशमानी की। अरे भाई यार, जिसके अमेरिका में किराने की दुकानें हैं। अरे भाई जो बोलता है मैं भी अमीर हूँ, मुझसे बात कर लो। हाँ भाई भाई भाई, वो आया नादर अली के पॉडकास्ट में। अब बात कुछ इस तरह हो रही थी कि नादर ने पूछा, भाई आपके फेवरेट वेपन्स कौन से? तो साद ने बोल दिया, मुझे तलवारें पसंद है। जिस पे नादर कहते हैं, मैं तो वेपन्स की बात कर रहा था, तलवारों की नहीं। कौन सी फेवरेट गन कौन सी? यार वेपन्स में गन फेवरेट नहीं है, गन से मारना बड़ा इंसान आसान है, तलवारें मुझे बड़ी पसंद है। यार ये अभी हम वेपन बोल ले, फिर हम तलवार पे चलेगा। तलवार इज अ वेपन। अरे भाई वेपन तलवार होती है ये भी नहीं पता इनको। राजा जी और वेपन गन कोई समझते हैं भाई? तलवार थोड़ी वेपन होता है यार, तलवार कौन सा हथियार है? तलवार से तो शेप बनाते हैं, तलवार से तो सब्जी फ्रूट काटते हैं भाई। अरे हम तो बर्थडे पे केक तलवार से ही काटते हैं भाई, तो हथियार थोड़ी है। क्या बात कर रहे हो, हमने कभी तलवार को हथियार की नजर से देखा ही नहीं है। ये जो जैपनीज वॉरियर्स, ये जो निंजास के पास कटाना वाली तलवारें होती हैं, अरे ये हथियार थोड़ी होते हैं, ये मारने के लिए थोड़ी होती हैं। अरे ये तो वो जब अपनी फेयर कॉपीज बनाते हैं ना, तो उसमें मार्जिन लाइन लगाने के लिए यूज करते हैं। हथियार थोड़ी है, वेपन थोड़ी है। अब नादिर मियां के अंदर एक तबलीगी रूह भी है। याद है ना वो जब सुनीता मार्शल आई थी इसके पॉडकास्ट पे, तो नादिर भाई उससे पूछ रहे थे, क्या कन्वर्ट करने का कभी आपने सोचा है? आपका क्या इरादा है इन फ्यूचर? मेरा हाँ एज इन कन्वर्ट करने का? यस नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल, तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है, और ना ही मुझे कोई प्रेशर है हसन की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से। नहीं नहीं, वो तो आपकी चॉइस है जाहिर है। हाँ। ये तो जब आप करें, अल्लाह आपको हिदायत दे तो बेसिकली सुनीता मार्शल ने बोला कि अभी मेरा कन्वर्ट करने का ऐसा कोई मूड तो नहीं है, जिस पे भाई आप कहते हैं अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और सवाल इतने प्रेशर ज़्यादा थे, तो बेसिकली दो तीन दफ़ा बार बार ये कही जा रही कि कन्वर्ट क्यों नहीं, किसी ने कहा है कन्वर्ट कन्वर्ट? अरे भाई इजी हो जाओ यार, आप जाकर नालायक नहीं बनो। दूसरों से हिदायत की दुआ करने से पहले अपने लिए अकल की दुआ भी कर लो भाई। उसका रिलीजन है, उसकी मर्जी है, वो जिसको फॉलो करे जिसको ना फॉलो करे। आप अपने में मुफ्ती तारिक माशूक बने हुए हो। अगर इतना ही शौक है लोगों को मुसलमान करने का ना, तो खतने करने वाले नाई बन जाओ। ये आपका काम नहीं है, ये बड़े लोगों की बातें मत करो। ये बंदा अपने आप में एक मुफ्ती मुफ्तखोर है। रिलीजियस स्टडीज में भाई साहब का बहुत इंटरेस्ट है, बहुत क्यूरियस है। याद है ना वो जब जाहिल अदीम इसके पॉडकास्ट पे आया था, तब नादर अली ने एक लेजेंडरी सवाल पूछा जाहिल अदीम से दज्जाल के मुतल्लिक। दज्जाल जेंडर में हिजड़ा होगा? लोगों को ऐसी चीजें सुनने में मजा आता है, पर जेंडर में हिजड़ा होगा? अगर कोई हिजड़ा होता है तो जेंडर में ही होता है भाई, किसी की कास्ट तो नहीं होती हिजड़ा। और चौधरी इफ्तिखार हुसैन हिजड़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हमने नहीं सुना ये। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि दज्जाल की शलवार में क्या है भाई, ये क्यों जानना है आपने? दज्जाल की डिप किक्स चाहिए क्या आपको? मतलब इस बंदे को और कोई टेंशन नहीं है कि बुराई का एक दौर आएगा, ये हो जाएगा, तबाही फैल जाएगी? नहीं, इसको ये जानना है कि दज्जाल की पतलून के अंदर क्या है। बस करो यार, दज्जाल सुन लेगा तो क्या कहेगा? इन पे हुकूमत करूं मैं, इन पे टाइम जाया करूं मैं? पहले सीरियस ही नहीं है ये, कोई डर ही नहीं है इनको, इनको ये जानने के मेरे शलवार में क्या है। यानी दज्जाल की जो एक दहशत है भाई साहब, वो गई चामुदाने। नादर को ये जानना है कि दज्जाल हिला के सोता है कि नहीं। वाह वाह, ये क्यों रेलेवेंट है भाई, ये क्यों रेलेवेंट क्यों है ये बात? दज्जाल आएगा, बुराई फैलाएगा, एक काला दौर आएगा। दज्जाल आके नॉटी अमेरिका की फिल्मों में नहीं आएगा, उसकी टांगों के बीच में कुछ भी लगाओ यार, पावे बंद को भी लगी हो, आपको क्या है? Why does it matter? सारे पढ़े लिखे मुसलमानों को मैं नादिर मियां के बिहाफ से सॉरी कहता हूँ। असल में सीन ऐसा, पढ़े लिखो को जिस गेस्ट को बुलाता है उसी के सांचे में ढलने की कोशिश करता है। जैसे इसने एक बॉडी बिल्डर बुला लिया तो खुद सैंडो पहन के बैठ गया। बॉडी बिल्डर पाकिस्तान के अच्छे हैं या इंडिया के अच्छे? नहीं, अरे भाई बताओ आप कौन सा ऑर्नल्ड शलवार निकालो भाई, सांड पे सैंडो चढ़ाने से वो मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत जाएगा। मसल्स नहीं दिख रहे आपके, मसले दिख रहे हैं भाई।
क्यों पहन लिए सैंडो? स्क्रीन से पता लग रहा है कि आपको जोड़ों के दर्द की तकलीफ है, लेकिन सैंडो फुल फंसी हुई मत करो भाई, आई लव यू वाले भालू लग रहे हो, मत करो। पेट के नीचे की दुनिया आपको देखे हुए बरसों गुजर गए, इधर आप आए हो सैंडो पहन के बड़े मिस्टर कराची बन के। बाय द वे, नादर अली से ज्यादा मटेरियलिस्टिक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कभी किसी से पूछ रहे फेसबुक से कितने बनते? पाकिस्तान में कौन सा कॉन्टेंट क्रिएटर है जो सबसे ज्यादा कमा रहा है? किससे पूछ रहा है कि यूट्यूब से कितने बनते हैं? कभी किसी की गाड़ियां गिनवा रहा है? का शौक है, मैंने अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी। ये मेरी नहीं, मेरे बेटे का शौक है। मुझे पता है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, पोर्शे, लैंड क्रूजर्स और मर्सिडीज वगैरह। आपकी जाती फेवरेट गाड़ी कौन सी? तो कभी शेखानी से पूछ रहे हैं ये घड़ी कितने की है, ये महंगी घड़ी है? ये घड़ी जाती तौर पे घड़ियों का शौक है, घड़ियों का। ये कौन सी घड़ी है? हबलो की वॉच है। अच्छा, ये काफी एक्सपेंसिव लग रही है। नॉर्मल है। हर बात इसकी पैसों से शुरू हो रही है, पैसों पे खत्म हो रही है। मत करो भाई, ये लकी ईरानी सर्कस के जेब कतरे लग रहे हो आप। गरीब औरत के पर्स वाला आपका मुंह है, लेकिन आपकी आदत नहीं जा रही कि दूसरों के बटवे में देखूं कितने पैसे। अजीब कमेटी वाली आंटी बने। जब नादर अली इंटरनेट पे मशहूर हुआ, तब हमें एक बात तो समझ आ गई कि इंटरनेट की शोहरत शक्ल देख के नहीं मिल रही। एक पॉडकास्ट में नादर अली ने ये बोला कि वो जो लड़की थी वो कौन थी? हाँ, अलीजे शाह। हाँ यार, वो पहले बहुत प्यारी हुआ करती थी, अब बुरी लगती है, बुरी लगती है। नाम मेरे जहन से निकल गया, वो जूनियर चाइल्ड आर्टिस्ट थी, अब बड़ी हुई है और उसने कोई सर्जरी कराई है। अब पहले बड़ी क्यूट थी, अब बुरी लगने लगी। अलीजे शाह? हाँ। अरे भाई, आप कौन से कतरी शहजादे हो यार कि आपको अलीजे शाह बुरी लग रही है? अब अपना मुंह भी तो देखो यार, किसी अंग्रेज के पांव के अंगूठे जैसा आपका अपना मुंह है, आप बोल रहे हो कि अलीजे शाह बुरी लगती है? पता नहीं यार, ये आदमी अपने आप को कौन सा एक्शन हीरो समझता है यार। आप खुद को देख लो यार, आप कब्जी का जरासीम लगते हो, आपको अलीजे शाह बुरी लग रही है? अरे डेटू भाई, कुछ तो सोच लो, कुछ तो देख के बात करो यार। आप जमीन पे बैठे हो तो लगता है बीन बैग पड़ा हुआ है। और ये वही बंदा है जिसने मोहम्मद राणा के साथ जब पॉडकास्ट किया तो प्रियंका चोपड़ा को काम वाली भाई बोला था। विदाउट मेकअप आप बताए कौन भयानक है? ये हुआ था मेरे साथ। अच्छा, कौन? हाँ, किस पे? प्रियंका चोपड़ा को। जब मतलब मुझे पता ही नहीं था, मैं सलमान बैठे हुए थे, एक बंदी आके यहाँ बैठ गया, वो आपस में बात कर रहे, तो मैं आगे हूँ पीछे हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ी देर बाद उठ के चले गई। मैं कौन मेड है क्या है? मैं कौन थी ये? वाह यार, मतलब ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए यार। हालांकि मैं अगर इस बंदे को पकड़ के इसके पेट पे यूज में लिख दूं ना, तो लोग इस पे कचरा फेंक के जाएंगे कूड़ेदान समझ के, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस पे हैरत है यार। मुंह न मथा जिन पहाड़ों लथा, मुंह न मोहटरो कदे जवांटरो। देखिए तो सही, खुद ही आदमी चिराग से निकला हुआ कोई बेरोजगार जिन लगता है, लेकिन इसको प्रियंका कामली भाई लग रही है, अलीजे शाह बुरी लग रही है। विदाउट मेकअप आप बताए कौन भयानक है? भयानक? ये पॉडकास्ट में क्या बात है, भयानक कौन है? प्रियंका चोपड़ा को भयानक बोल रहे हैं लोग। हालांकि नादर जैसे लोग जब आधी रात को कच्ची नींद से उठ के सूसू करने जाते हैं तो शीशे में अपने आप को देख के डर जाते हैं, लेकिन वाह, प्रियंका इनको काम वाली और भयानक लग रही है, अलीजे शाह की शक्ल बुरी है। अरे आप कौन सा ऋतिक लोशन हो भाई? आप कौन सा हीरो हो यार? आप कौन इब्राहिम हो? शाइगर ट्रॉफ हो यार, आप कौन हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाई, ऐसा नहीं है कि लड़कियां आपको देख रही और वो सोच रही है कि वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। मैं क्या ही बोलूं यार, मैं क्या ही बोलूं। खैर, आप मुझे ये बताएं कि अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए? अगली भाई बहुत जबरदस्त वीडियो था, इसी के साथ लाइट चली गई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई है, तो भाई मजा आ गया ये वीडियो देख के। और नादिर अली का जो काम है वो कर रहे हैं, मतलब जो इस तरह के सवाल पूछते हैं वो स्पेशली फेसबुक के लिए ज्यादा काम करते हो। मैंने मुझे लगता है मैंने फेसबुक पे बहुत वायरल वीडियोस देखी उनकी। बिल्कुल। और फेसबुक पे उनकी वीडियो वायरल इसीलिए होती क्योंकि वो इस तरह की वीडियोस क्वेश्चंस करते हैं, और वायरल होगी तो जाहिर सी बात है बंदा पैसा कमाएगा, और शायद यही रीज़न है कि वो इस तरह के सवाल करते हैं। बाकी इन्होंने जो रोस्ट किया काफ़ी लॉजिकल और ज़बरदस्त रोस्ट था, मेरे को मज़ा आया। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी क्रिंजी जोक्स डाल दिए भाई, सारे रिलेवेंट जोक थे और ज़बरदस्त मज़ा आ गया। और जो नाम के साथ ये चेंजेस करते हैं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोशन, एक लोशन और भी कई नाम चेंज और भी करते हैं, तो मजा आ जाता है। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था यार, जो वो एक्ट्रेस के साथ उन्होंने पूछा था कि आप कन्वर्ट कब हो रही हैं, और उन्होंने बोला था अभी तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, तो उनको कहते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे, तो वो बड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा था। इन्होंने सही बात कही कि यार वो उनका डिसीजन है, उनका फैसला है। सोचो वो आपको ऐसे कुछ बोल दे कि जीसस आपको हिदायत दे, तो फिर कैसा लगेगा? तो वो गलत है। बाकी जो भी हो आप बताइए आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।